भ्रष्टाचार सह रण मोदी पांचपण लालकिलारु हुंकार परिवारवाद उपरे सख्त प्रहार 25 वर्षर अनुसंधान 2047 रे हिंदुस्तान शक्तिमान देश आगरे दुई शत्रु भ्रष्टाचार और परिवारवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रखता है। हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। दुई शत्रु को मुकाबला जरूरी लाल किलार अभेद्य प्राचेरी देश नाम प्रधानमंत्री आह्वान देश को भीतर ही खोल करुची भ्रष्टाचार किए भोक मेटाइवा को अहरह लड़ुची तो कहा पाखरे कलाधन रखा जगह ना तेणु जो मैंने देश को लुटी से भूपतित करने को आह्वान जनाई मोदी एपरिक दुर्नीति विरोधी युद्ध में देशवासी साथ लोड़ीपर परिवारवाद को नहीं निर्धुम बर्षि भाई भतीजावाद परिवारवाद देश बहुत क्षतिकारक परिवारवाद ही योग्य लोक अवसर मिल पारना परिवारवाद राजनीति केवल परिवार ही उन्नति करुवर देशर राजनीति को परिवारवाद कबल स्वाधीन करने को आह्वान देखते पीएम एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है ये स्थिति अच्छी नहीं है तो। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करेंगे बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा खाली आटाक नुहे आगामी 25 वर्ष रे देश स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ति पालन करिबो तेणु 25 वर्ष पाई 5टी संकल्प नेबाकु प्रत्येक देशवासी को अपील करिछंती मोदी प्रथम संकल्प हेउची 2047 सुधा विकसित भारत गढ़ीबा लक्ष्य द्वितीय रे पराधीनतार चिंताधारारु मुक्ति तृतीय रे इतिहास को नहीं गर्व चतुर्थ संकल्प एकता एवं एकजुटता एवं पंचम संकल्प नागरिकंक कर्तव्य यह 5टी संकल्प को नहीं देश को आगामी 25 वर्ष धरी आग को बढ़िबा को हेबो बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए हमारी विरासत के प्रति क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था 130 करोड़ देशवासियों में एकता न कोई अपना न कोई पराया एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है वो भी नागरिक है नागरिकों का कर्तव्य ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है आह्वान और शत्रु के मध्य भारत केमिति शक्ति भाव उभा होई से नहीं मध्य बेस रोचकीय ढंग से निज अभिभाषण में बखाणी मोदी देशवासी भरी रही आकांक्षा
जेउथिपई अनेक क्षेत्र रे पुनर्जागरण देखिबा को मिलिछि। भारतर क्षमता को देखि पूरा विश्व एबे भारत उपरे नजर रखिथिबा मध्य कहिछंती पीएम। आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है। 10 अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है, लेकिन पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है, बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स ये भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। यह पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का पल है। आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, लगातार नवम थर पाई लाल किला रे झंडा उड़ाई देशवासी को संबोधन करिछंती प्रधानमंत्री। देश एवं स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति पालन करथिया बेले मोदी को आज भाषण रे आगामी 25 वर्ष रोड मैप्र झलक स्पष्ट बारी होई छि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।